तो आज के इस वीडियो में आपको दोस्तों बताने वाला हूं कि गूगल सर्च कंसोल में कैसे नए वेबसाइट को ऐड किया जाएगा। दोस्तों गूगल सर्च कंसोल से रिलेटेड हमने बहुत सारा वीडियो पहले भी बना दिया है, लेकिन इस वीडियो के अंदर में गूगल सर्च कंसोल से रिलेटेड एक एक बात का जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल के अंदर में आपको साइट मैप कैसे जनरेट करना है और कैसे सबमिट करना है, अपने वेबसाइट को कैसे जो है सबमिट करना है, आपका जो वेबसाइट होता है उसका होम पेज का URL उसको कैसे सबमिट करना है, और दोस्तों यहाँ पे होता है HTML टैग, ठीक है, उसको भी थीम के अंदर में पेस्ट करना होता है। तो यहाँ पे आपको गूगल सर्च कंसोल से रिलेटेड सभी प्रकार का जानकारी देने वाला हूँ, यानी ये जो है फुल ट्यूटोरियल है। तो दोस्तों यहाँ पे आप करना क्या कि इस वीडियो को एंड तक देखना, अगर ये जानकारी सही लगे तो कर देना इस वीडियो को लाइक, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रंजीत कुमार, आप देख रहे हो रिसर्च टेक न्यूज। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के अंदर में ऐड करके बताऊंगा। तो गूगल सर्च कंसोल से रिलेटेड जितना भी जानकारी होगा वो सारा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो फिर गूगल सर्च कंसोल से रिलेटेड किसी भी वीडियो को आपको नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो है आपको गूगल सर्च कंसोल के अंदर में आपको अपने वेबसाइट को ऐड करना है, ताकि आपको जल्दी से गूगल एडसेंस का भी अप्रूवल मिल जाए और आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आना शुरू हो जाए। तो चलिए अब यहाँ पे करना क्या है, ऐड करने के लिए गूगल सर्च कंसोल में अपने वेबसाइट को यहाँ नीचे की ओर आना है और यहाँ व्यू ब्लॉग पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ वेबसाइट ओपन होगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हो कि वेबसाइट ओपन हो चुका है, यहाँ पे आपको करना क्या है कि इसका URL कॉपी करना है, ठीक। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है वो सारा जानकारी आपको देने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी बता देता हूँ आपको कि आपके वेबसाइट पे डोमेन हो या ना हो, जैसे कि .in.com डोमेन होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर आपका वेबसाइट चाहे blogspot.com पे भी क्यों ना हो, फिर भी आप अपने वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के अंदर में ऐड कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे आपको करना क्या है कि इस लिंक को कॉपी करना है अपने वेबसाइट को ओपन करके। हमने लिंक कॉपी कर लिया है, अब चलेंगे गूगल सर्च कंसोल पे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने गूगल सर्च कंसोल को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको अपने जीमेल आईडी से इसके अंदर में लॉगिन होना है, अगर आपने अभी तक लॉगिन नहीं हुआ तो। जिस जीमेल आईडी से आपने ब्लॉगर को क्रिएट किया होगा उसी जीमेल आईडी से इसके अंदर में लॉगिन हो जाना है, इसके अंदर में अकाउंट ऑटोमेटिक बन जाएगा। बाकी दोस्तों इसके अंदर में आपको अपने वेबसाइट को ऐड करना है तो यहाँ एरो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे पहले से ही मैं 4 वेबसाइट को ऐड कर रखा हूँ, तो यहाँ पे 4 वेबसाइट ऐड दिख रहा है। बाकी अगर आप पहली बार इसके अंदर में ऐड करोगे गूगल सर्च कंसोल के अंदर में अपने वेबसाइट को, तो सिर्फ आपके सामने में यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक होने के बाद आपको करना क्या है कि इस बॉक्स के अंदर में आपको अपने वेबसाइट का URL पेस्ट कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं अपने वेबसाइट का URL पेस्ट कर दिया है। तो चलिए अब यहाँ पे करना क्या है कि कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे वेरीफाई प्रॉपर्टी हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो कि ओनरशिप ऑटो वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक भी व्यूज नहीं है, क्योंकि इस वेबसाइट को हमने अभी ऐड किया है। अब इसका जो नाम था लाइट हिंदी न्यूज था, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब यहाँ गो इट पे क्लिक कर देंगे। गो इट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे तो वेबसाइट ऐड तो हो गया है, अब यहाँ पे साइट मैप को भी जनरेट करना है। यहाँ पे क्लिक करना है साइट मैप पे, चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ और जनरेट कैसे करना है वो सारा जानकारी आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि वेबसाइट का URL पहले से ही है। यहाँ पे आपको साइट मैप देना है, ठीक है, ATOM होता है, ठीक है, उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो साइट मैप जनरेट करना होगा। साइट मैप जनरेट करने के लिए एक वेबसाइट पे जाना होगा, चलिए उस वेबसाइट पे चलते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि ये वेबसाइट ओपन हो चुका है, इस पे लिखा हुआ है ब्लॉगर XML साइट मैप। तो यहीं से आप जो है जनरेट कर सकते हो साइट मैप को। तो इस पेज का लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो उस पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हो। अब चलिए दोस्तों नीचे की ओर आना है
और आने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है कि अपने वेबसाइट का URL पेस्ट करना है, जो भी लिंक होगा इसके अंदर में उसको डिलीट कर देना है पहले। अब आपको अपने वेबसाइट का URL पेस्ट कर देना है, जैसे कि हमने अपने वेबसाइट का URL पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद यहाँ जनरेट XML साइड मैप पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे साइड मैप जो है जनरेट होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको करना क्या है कि नीचे की ओर आना है और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि आ चुका है। अब यहाँ पे आपको कॉपी करना है इन सभी को, तो यहाँ पे आपको जो कॉपी करना है यूजर एजेंट से लेके और आपको इधर जो है 500 जो लिखा हुआ है यहाँ तक आपको कॉपी करना है। चलिए कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जाएंगे कीप नोट पे, तो यहाँ पे उसको कर लेते हैं ओपन। तो जैसे कि यहाँ पे दोस्तों देख रहे हो कि कीप नोट ओपन हो चुका है। इस कीप नोट का भी लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो इसको भी आप यूज कर सकते हो। इस कीप नोट के मदद से आप जो है अपने ब्लॉगर पे बहुत अच्छे तरीके से पोस्ट पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसके बाद ब्लॉगर में पोस्ट पब्लिश करता हूँ, तो इसके मदद से बहुत आसानी से ब्लॉगर में पोस्ट पब्लिश हो जाता है। बाकी यहाँ पे कोई भी चीज़ हमें रखने के लिए आसानी होता है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहीं पे साइड मैप को पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो यूजर एजेंट से लेके और नीचे आपको 500 जो लिखा हुआ है यहाँ तक कॉपी करना है। बाकी दोस्तों अब यहाँ पे एक काम करना है कि यहाँ तक तो हमारे वेबसाइट का URL है, ठीक है, https से लेके .com तक, लेकिन इतना कॉपी नहीं करना है यहाँ पर अभी। अभी आपको जो atom से लेके नीचे 500 जो लिखा हुआ है वहाँ तक कॉपी करना है। तो चलिए मैं करता क्या हूँ कि यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जाएंगे गूगल सर्च कंसोल पे, तो यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे ये जो लिंक है इसको कॉपी मैं क्यों नहीं किया हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहले ही से है, यहाँ पे सिर्फ हमें atom देना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे atom जो है पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे कि atom हमने पेस्ट कर दिया है और लास्ट में जो है लिखा हुआ है 500, तो चलिए अब यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे सबमिटिंग साइट मैप हो रहा है दोस्तों, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। बाकी यहाँ गो इट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना भी पेज होगा आपके वेबसाइट पे वो सभी के सभी यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, पोस्ट को मिला के और जो आपका प्राइवेसी पॉलिसी कॉन्टैक्ट अस का जो बटन सब जो होता है उन सभी को मिला के यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि सक्सेस 28 पेज हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको साइड मैप जनरेट करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे एक काम और करना है कि जाना है कीप नोट पे। कीप नोट पे आने के बाद आपको करना क्या है कि यूजर एजेंट से लेके नीचे जो 500 लिखा हुआ है यहाँ तक आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जाना है आपको अपने वेबसाइट पे, तो जैसे कि यहाँ पे देख रहा हूँ कि आ चुका हूँ। अब यहाँ सेटिंग के आइकॉन पे क्लिक कर देना है। सेटिंग के आइकॉन पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको आना है। यहाँ से आप बहुत प्रकार का चेंजिंग कर सकते हो, जैसे टाइटल चेंज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हो, बाकी और भी बहुत सारा होता है जानकारी जो कि उसे आप सही कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको करना क्या है कि प्राइवेसी को ऑन रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आना है नीचे की ओर और यहाँ पे क्रॉलर्स पे आना है आपको। ठीक है, यहाँ पे वो ऑप्शन है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्रॉलर्स है एंड इंडेक्सिंग। अब यहाँ ये जो ऑफ है इसको ऑन कर देना है, अगर ये ऑफ रहेगा तो ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद नीचे जो है कस्टम रोबोट टेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कीप नोट से जो हमने कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक, तो देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि पेस्ट हमने कर दिया है, यूजर एजेंट यहाँ पे सर्च अलाउ, ठीक है, लिख के आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपने वेबसाइट का जो लिंक है वो भी है, atom भी है, नीचे जो है 500 भी लिखा हुआ है। अब इतना करने के बाद इसको सेव कर देना है। ठीक, तो ये जो है सेव हो जाएगा, तो ये सेव हो चुका है। अब यहाँ पोस्ट पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों इसके अंदर में अभी और भी काम है, उसके बारे में भी समझना जरूरी है। बाकी चलिए ये तो हो चुका है, अब यहाँ गूगल सर्च कंसोल पे फिर से जाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि गूगल सर्च कंसोल पे फिर से आ चुका हूँ और यहाँ पे अब करना क्या है कि नीचे जो है आपको आना है, यहाँ सेटिंग के आइकॉन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इसमें भी सेटिंग का आइकॉन है, यहाँ पे आपको सेटिंग के आइकॉन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि URA वेरीफाइड ऑनर, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो यहाँ पे आपको आना है HTML टैग पर, ठीक है, HTML टैग है, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक कोड मिलेगा आपको, इसको कॉपी करना है। ठीक, कॉपी करने के बाद जाना है फिर से अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे। दोस्तों अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि थीम पर क्लिक कर देना है। थीम पर क्लिक होने के बाद दोस्तों यहाँ एरो पे आपको क्लिक कर देना है। एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ एडिट HTML पे क्लिक कर देना है। एडिट HTML पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 4 नंबर पे हेड लिखा हुआ दिखेगा,
आपको करना क्या है कि हेड के जगह पे क्लिक करके एंटर दबाना है दो बार। उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे सर्च कंसोल का जो कोड है उसको पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब चलिए करता क्या हूँ कि यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या है कि सेव हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा आपको टाइम भी लग सकता है क्योंकि प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद ही यहाँ पे ऐड होता है, ठीक है, यानी सेव होता है। तो यहाँ पे चलिए रुक जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है। अब चलिए कर देते हैं इसको बैक। बैक होने के बाद चलिए अब यहाँ पोस्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अब जो है सभी प्रकार का काम हो चुका है गूगल सर्च कंसोल से रिलेटेड। अब यहाँ पे कुछ काम है जो कि उसके बारे में आपको बता देता हूँ, वो काम आपको कब करना पड़ेगा, ठीक है, और वो काम अभी करना ज़रूरी है कि नहीं है, उस चीज़ के बारे में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ गूगल सर्च कंसोल पर जाएंगे और दोस्तों यहाँ पर ये काम हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ नीचे की ओर आएंगे और यहाँ HTML टैग जो है वेरीफाई करना है, ठीक। तो चलिए वेरीफाई पे क्लिक कर हमने कर दिया है और यहाँ पे ये जो है वेरीफाई हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो कि HTML यहाँ पे टैग वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे HTML फाइल होता है तो इनका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स का आ जाता है बात। तो जब आप अपने वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स के अंदर में ऐड करोगे तो यहाँ पे क्लिक करके आपको करना क्या है कि सिर्फ वेरीफाई करना है, कोई भी कोड पेस्ट नहीं करना है, ठीक। तो चलिए ये काम जब आपका होगा, जब आप अपने वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स के अंदर में ऐड करोगे तो। तो दोस्तों गूगल एनालिटिक्स के अंदर में कैसे ऐड करना है आपको अपने वेबसाइट को, तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फुल कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा। उस फुल कोर्स के लिंक पर क्लिक करके आप जो है अपने वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स के अंदर में ऐड कर सकते हो। दोस्तों एक ब्लॉगर से रिलेटेड सभी प्रकार का जानकारी आपको फुल कोर्स के अंदर में मिल जाएगा। तो आप फुल कोर्स को ज़रूर चेक करना अपने वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स के अंदर में ऐड करने के लिए। बाकी दोस्तों उसके बाद आप आ जाती है बात गूगल टैग मैनेजर। तो इसको भी वेरीफाई किया जाता है, लेकिन इसको वेरीफाई नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स को वेरीफाई करना पड़ता है, HTML टैग को वेरीफाई करना पड़ता है। अब यहाँ पे आ जाता है डोमेन नेम प्रोवाइडर, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके आपको करना क्या होता है कि यहाँ पे इसको भी वेरीफाई करना होता है। तो जब आप डोमेन लोगे तब आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। बाकी दोस्तों इन सभी का कोई उतना ज़रूरी नहीं है, जितना ज़रूरी का काम है वो सभी काम हमने कर दिया है। बस इतना कर देते हो तो गूगल सर्च कंसोल का काम आपका ख़त्म हो जाएगा। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों फाइनली जो है आपको जानकारी मिल गया होगा कि गूगल सर्च कंसोल के अंदर में आपको अपने वेबसाइट को ऐड कैसे करना है। बाकी दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप फुल कोर्स को ज़रूर चेक करो, क्योंकि फुल कोर्स के अंदर में हमने बता रखा है एक वेबसाइट क्रिएट करने से लेके पैसे कमाने तक का जानकारी। बाकी दोस्तों उसके अंदर में और भी बहुत सारा जानकारी है, जब आप फुल कोर्स को चेक करोगे तब आपको समझ में आएगा। फुल कोर्स को देखने के लिए एक भी रुपये आपको नहीं देना है, फुल कोर्स को देखने के लिए आप फ्री में देख सकते हो। बाकी चलिए दोस्तों यही जानकारी आपको देना था। अगर ये जानकारी सही लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना लाइक। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि आगे मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।